वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी स्टूडेंट्स, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर है आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रीऑर्डरिंग। तो देखिए, हम पहले पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें जो दो पार्ट होते हैं हमारे मेन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें आप देखेंगे जो सी है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में जो सिंग्स है ये वर्ब है, और वर्ब और वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होता है वो सभी क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अ गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर जो आ है वो डिटरमाइनर है, गर्ल नाउन है, और उसके बाद में सिंग्स अ सॉन्ग ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। द ब्लैक बर्ड फ्लू अवे, द डिटरमाइनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, बर्ड नाउन है, और ये फ्लू अवे ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज क्रो, तो आप इसमें देखेंगे द डिटरमाइनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, बर्ड नाउन है, सिटिंग इन द ट्री ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इज वर्ब है, और क्रो यहां पर ये पूरा इज क्रो ये पूरा प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पर वॉकिंग जीरंड है जो कि सब्जेक्ट है, इज गुड फॉर हेल्थ ये पूरा प्रेडिकेट है। टू स्मोक ये इन्फिनिटिव है जो कि सब्जेक्ट है, इज इंजूरियस ये पूरा प्रेडिकेट है। इट सब्जेक्ट है, इज डार्क ये प्रेडिकेट है। देयर वॉज अ किंग, देयर सब्जेक्ट है, वॉज अ किंग ये प्रेडिकेट है। यश लाइक्स मैंगोज, यश सब्जेक्ट है, लाइक्स यहां पर वर्ब है, और ये जो मैंगोज है ये यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी गेव मी अ बुक, सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी और आ बुक, आ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी गे मी अ बुक टू मी, तो यहां पर आप देखेंगे शी सब्जेक्ट है, गे वर्ब है, आ बुक यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी लव्स सिंगिंग, शी सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, और सिंगिंग यहां पर जीरंड है जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शी लाइक्स टू रीड, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और टू रीड इन्फिनिटिव है जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी वॉज अ सिंगर, यहां पर सी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और अ सिंगर जो है कॉम्प्लीमेंट है, किसका, सब्जेक्ट का, वर्ब का। सी वॉज अ सिंगर, सी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और वर्ब जो वर्ब है वॉज उसका जो कॉम्प्लीमेंट है डेट इज अ सिंगर। नेक्स्ट, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और देयर लीडर जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो रीऑर्डरिंग के आते हैं, डैट मीन्स आपको जो है सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जम्बल्ड अप करके दिए जाएंगे और आपको उसको रीऑर्डर कर एक उससे मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, इसमें आपकी एक्सरसाइज 1 दी हुई है, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन राइट ऑर्डर। तो जो आपकी एक्सरसाइज है, देखिए इसमें भी क्या कहा गया कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन दी ब्लैंक केम टू मी और ब्रैकेट में दिया हुआ है बॉय लिटिल आ, तो आपको क्या करना है, इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है रीऑर्डर करके। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या बन जाएगा, इससे आ लिटिल बॉय केम टू मी। नेक्स्ट देखिए, डैश लिव्ड इन दिस सिटी रिच आ मैन, तो इससे क्या बना हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस, आ रिच मैन लिव्ड इन दिस सिटी। नेक्स्ट देखिए, डैश वॉज स्टैंडिंग अंडर दी ट्री, ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको, फॉक्स आ क्लेवर, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, आ फॉक्स क्लेवर वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक फेल डाउन, आपको दिया हुआ ब्रैकेट में मैन एन विद अ स्टिक ओल्ड, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा इससे, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक फेल डाउन। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक फाइट फॉर देयर कंट्री, ब्रैकेट में दिया हुआ आपको पीपल ब्रेव, तो क्या हो जाएगा, ब्रेव पीपल फाइट फॉर देयर कंट्री। नेक्स्ट डैश फिल इन द ब्लैंक ड्रेस द फायर, ब्रैकेट में दिया हुआ आपको चाइल्ड आ बर्न्ड, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, आ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेस द फायर।
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज, आपको दिया हुआ ब्रैकेट में इन द वॉकिंग मॉर्निंग, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज माई सिस्टर, ब्रैकेट में दिया हुआ ब्यूटिफुल दिस गर्ल, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा इससे, दिस ब्यूटिफुल गर्ल इज माई सिस्टर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक फ्लू अवे, ब्रैकेट में दिया आपको द बर्ड ब्लैक ऑन द ट्री सिटिंग, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, द ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक टॉक डॉल्स न्यू दीज, तो क्या बनेगा, दीज न्यू डॉल्स टॉक। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज अवर ड्यूटी डाई फॉर टू अवर कंट्री, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, टू डाई फॉर अवर कंट्री इज अवर ड्यूटी। नेक्स्ट डैश वॉज द किंग ऑफ मेवाड़ आ वॉरियर ब्रेव राणा प्रताप, तो क्या बनेगा, राणा प्रताप आ ब्रेव वॉरियर वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। और लास्ट देखिए डैश ड्रेस द फायर चाइल्ड आ बर्न, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा अ बर्नड चाइल्ड ड्रेस द फायर। तो इस तरीके से आपको ये रीऑर्डर करके बनाने आने चाहिए। सिमिलरली इसमें देखिए एक्सरसाइज टू में, यहाँ पर तो हमने क्या किया था, इस एक्सरसाइज में सब्जेक्ट जम्बल लब दिए हुए थे और प्रेडिकेट दिया हुआ था। अब जो आपकी एक्सरसाइज टू है इसमें आपको सब्जेक्ट दिया हुआ और प्रेडिकेट को जम्बल लब करके दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। तो देखते देखिए जरा, फर्स्ट वन द हंटर डैश, और आपको दिया हुआ अ टाइगर किल्ड एन एक्स विद, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा द हंटर किल्ड अ टाइगर विद एन एक्स। ओके नेक्स्ट स्मोकिंग डैश हेल्थ इज फॉर हार्मफुल, तो क्या होगा, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट द ब्रेव डैश आपको दिया हुआ एडमायर्ड ऑलवेज आर, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, द ब्रेव आर ऑलवेज एडमायर्ड। ओके नेक्स्ट शी डैश आपको दिया हुआ अ लॉट ऑफ हैज मनी, तो सी हैज अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट द मेंबर्स डैश आपको दिया हुआ देयर हिम चेयरमैन इलेक्टेड, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, द मेंबर्स इलेक्टेड हिम देयर चेयरमैन। नेक्स्ट दे डैश वॉक टू आउट डिसाइडेड, तो क्या होगा मीनिंगफुल सेंटेंस, दे डिसाइडेड टू वॉक आउट। ओके नेक्स्ट शी डैश वेरी फॉन्ड ऑफ वॉज डांसिंग, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट ही डैश गॉट हिज एंग्री एट बिहेवियर, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा, ही गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। नेक्स्ट रीना डैश सिंगिंग मच लव्स वेरी, तो रीना लव्स सिंगिंग वेरी मच। नेक्स्ट द अर्थ द सन राउंड मूव्स, तो क्या होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज थ्री है, ये आपको करनी है। उसके बाद में आपके इसमें आएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। देखिए फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, आपको इस तरीके से जम्बल अप सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको रीऑर्डर करना है। तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2007 से लेके दिए हुए हैं आपको ये, और मैं आपको इसमें 2020 का कराता हूँ जो 2020 में क्वेश्चन पेपर में आए थे। देखिए फर्स्ट रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस, ये जम्बल अप करके सेंटेंस वर्ड्स दिए और आपको बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या बनेगा, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। नंबर टू देखिए कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ओके नेक्स्ट वन देखिए थ्री राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। नेक्स्ट गौतम प्रिंस मैरिड वॉज यशोदरा प्रिंसेस टू ब्यूटिफुल, आपको बनाना है इसका मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या बनेगा रीऑर्डरिंग करके सेंटेंस, प्रिंस गौतम वॉज मैरिड टू ब्यूटिफुल प्रिंसेस यशोदरा। ओके नेक्स्ट इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, तो क्या बनेगा रीऑर्डर करके मीनिंगफुल सेंटेंस, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। और लास्ट वन देखिए दे ग्रेट रेस्पेक्ट देयर शुड फॉर एल्डर्स हैव,
तो रीऑर्डर करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा, दे शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर देयर ग्रेट एल्डर्स। ओके, तो ये 2020 में आए हुए थे जो हमने किए, और बाकी जो इन सब किया प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से ये सभी क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।